देखिए, जब एक बहुत बड़ी तकसीम होती है ना, तो एक पार्टी ऐसी बन जाती है जो पार्टनरशिप को तोड़ना चाहती है, और एक है जिससे आप अलग होना चाहते हैं। हिंदुस्तान पहले भी हिंदुस्तान था, पूरा इंडिया था, बिल्कुल हम या थे, पाकिस्तान टूट के अलग हुआ। तो पाकिस्तान को जस्टिफाई करना था अपना टूटना, हमसे अलग होना। तो वो जो नैरेटिव बनाना था स्टेट को, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग 1947 से पहले पैदा हुए, 15 अगस्त से पहले, वो तब भी इंडियन थे और आज़ादी मिलने के बाद भी इंडियन। पर ये रेड क्लिफ लाइन के उस तरफ आप लोग रातों रात हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बन गए। आप इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्यों मुल्क क्यों मांग लिया। मुल्क तो मिल गया, पर फ्रैंकली इस बारे में कोई मुझे कोई अभाम नहीं है, कोई शक नहीं है। जो उन लोगों ने पाकिस्तान मांगा, उनको ये नहीं मालूम था कि हमने पाकिस्तान से करना क्या, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम किस सिंक में जाएंगे, हमारा माजी क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। टोटल कंफ्यूज स्टेट में थे। और एक वाहिद शख्स जिनका वो आप अपना कैद मानते हैं, अलामा अपना जिना साहब, शायद वो एक वाइट पर्सन थे, एक इकलौते आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर दी। कांग्रेसी भी थे, सेकुलर भी थे, सडनली उन्होंने कहना कर शुरू कर दिया कि वी आर टू नेशंस। हमारा जुरिस्प्रूडेंस अलग है, खाना पीना अलग है, पहनावा अलग है। जो उनके 23 मार्च 1940 में जब उन्होंने मिंटो पार्क में तकरीर करी, और उससे पहले उनका खाना पीना वही था जो हमारा है। हालांकि पार्टीशन होने से पहले तक भी वो तो पोर्क भी खाते थे, शराब भी पीते थे, उनमें कोई इस्लामिक वैल्यू भी नहीं थी, पर उनको एक जिद थी। उसका जिद को कहीं कोई और स्कॉलर पे इस पे रोशनी डाल देगा, क्योंकि मैं वहाँ उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, हालांकि मैं उससे बड़ा आशना हूँ। ये जो जस्टिफिकेशन था ना एक स्टेट का, इस स्टेट की जस्टिफिकेशन ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। आपके बानिए पाकिस्तान को चाहिए था कि आप, हमने कह दिया कि हम दो नेशंस हैं, तो आपको फिर नेशन बिल्ड करना चाहिए था। आपको लगा, आपको मीन्स कि पाकिस्तान को जो इनिशियल रूलर्स थे, उनको लगा कि एक ग्रिट था उनके अंदर, एक उनके अंदर ऐसी एक इंफेरियोरिटी कम्प्लेक्स आ गया कि हमको जस्टिफाई करना है, भाई हमने मुल्क क्यों बनाया। जी तो जस्टिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी था कि हिंदुस्तान वो हिंदू को दुश्मन दिखाया जाए। उसका एक तरीका था कि आपकी जो बुक्स हैं, निसाब हैं, बच्चों को पढ़ाया जाए। तो बच्चों को ये पढ़ा दिया गया कि हिंदू अच्छा नहीं होता, हिंदू बुरा है, हिंदुस्तान बुरा है। तो जब आपने ये नैरेटिव बिल्ड किया, तो जो कश्मीर का मसला आ गया, वो कश्मीर का मसला अब इतना ज़्यादा, अब फकर भाई हालात बिगड़ चुके हैं पाकिस्तान के, अगर कश्मीर आज रिजॉल्व हो भी जाएगा, जी पर आपका जो कैलर्जी है, आपके जो मुल्लाज हैं, उन्होंने इतनी नफरत बो दी है हिंदू और मुसलमान के बीच में, अब कश्मीर का मसला रहा नहीं, अब मसला वो आ गया, मजहब बीच में आ गया। वो जो स्पिरिचुअलिटी या मजहब वो सिखा कर बैठ चुके हैं कि भाई हिंदू गंदा है। अब कश्मीर और हिंदू गंदा होना दो अलग चीजें हैं। कश्मीर तो एक जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना क्लेम मांग रहा है, और जो नस्ल बनाई पाकिस्तान ने 1947 के बाद, उनको कश्मीर के बेस पर नहीं बनाया, उनको जस्टिफाई किया कि पाकिस्तान क्यों बना। तो मेरा ऐसा मानना है फकर भाई, टू मूव ऑन डिस्कशन, आगे ले जाते हैं, कश्मीर अब इररेलेवेंट है। कश्मीर हाइपोथेटिकली कल को सॉल्व हो भी जाएगा, तो भी जो पाकिस्तान को एक नए तरह से एक शुरुआत वो करनी पड़ेगी जब पाकिस्तान एक नेशन स्टेट के हिसाब से चलेगा। पाकिस्तान को रीबूट करना पड़ेगा। जैसे कभी हमारे कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, पर मैं क्या करूँ, ये मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से रीबूट करना पड़ेगा। ग्लोबल कम्युनिटी के साथ चलना पड़ेगा। दुनिया एक गांव बन के रह गया है, इसके अंदर किसी का ये कहना कि मैं उम्मा का लीडर हूं, ये उम्मा का वर्ड आपको और किसी मुल्क में सुनने को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पाकिस्तान में ही सुनने को मिलेगा कि हम उम्मा उम्मा के लीडर हैं, हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है। क्या बॉम्ब ने कर दिया पाकिस्तान को लेके। तो मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत में ही बहुत मेजर फॉल्ट लाइन क्रिएट हो चुकी थी, और उसकी सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन थी हिस्ट्री को बिगाड़ दिया गया बच्चों को।
बच्चों को नहीं बताया कि जिस धरती पे पाकिस्तान है वो हजारों साल की पुरानी धरती है, उस पे हर तरह के लोग आए, बाहर से भी आए, अंदर से भी थे, एक फलती फूलती सभ्यता थी, एक सिविलाइजेशन थी, इसकी एक और सकाफत थी जिसको हमने हजारों साल में एनरिच किया। तो उसमें से पिक एंड चूज करना शुरू कर दिया, चेरी पिकिंग कर दी। बच्चों को यह बता दिया गया कि पहला पाकिस्तानी मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये बेसिकली ये फॉल्ट लाइन वहां से शुरू होती है, दैट्स व्हाट आई फील। ठीक, अच्छा राकेश वैद साहब, एक चीज मुझे ये पता करनी आपसे कि ठीक है सारा कुछ हुआ, लेकिन कश्मीर का मसला आप कहते हैं कि यार अभी अगर हल नहीं भी होता, हल कल को हो भी जाता है तो मसाइल हल नहीं होते, आप कहते हैं कि रीबूट किया जाए। अच्छा, हमारी पॉलिसीज अभी की मैं बात कर रहा हूँ, आज की मैं 1965 की नहीं करता, 1971 की नहीं करता, या जो भी है, अब कौन सी ऐसी गलतियां हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आप जिस तरह के कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से दोबारा जुड़ना पड़ेगा, कि उनसे जो हमारा जुड़ना है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, क्या ऐसी चीजें हुई सोसाइटी के अंदर या हमारी जो पॉलिसीज हैं या बाकी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हमें दिन देखना पड़ रहा है? ये फकर भाई, ये कम्युनिटी है, बहुत दिन से इकट्ठा हो रहा था। मैं पाकिस्तान में आता हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि इस्लाम कंप्लीट राबता है हयात है। तो नई एजुकेशन तो आई नहीं ना। अब कुरान से आप थोड़ा डील कर सकते हो कि अमेरिका कल सुपर पावर बन जाएगा। अब मुकद्दस किताब है आपकी, हम भी उसका एहतराम करते हैं जी। पर जो आपने मॉडर्न साइंस है, जमाना अब मजहबों से निकल चुका है, जिनसे आपके जिनके आपको डॉलर चाहिए वो 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 मजहब से दूर हो चुके हैं, जिनके आपको यूरो चाहिए वो उनके लिए मजहब की इम्पोर्टेंस रही नहीं। मजहब की इम्पोर्टेंस एक जमाने में थी। ये साइंस का दौर है, ये तरक्की का दौर है, यहाँ जदीद तर चीज़ें आ रही हैं सामने। तो जो पाकिस्तान का डिस्कनेक्ट ये है कि पाकिस्तान अपने जो मजहबी प्रायोरिटीज़ हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा। वो वहीं अटका हुआ है पाकिस्तान जिस दौर में वो बना था। अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है फकर भाई। आज की डेट में आपको देश में चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए एक डेमोक्रेसी अगर है, तो डेमोक्रेसी को अगर आपके उलेमा आपके वो बोलेंगे कि ये इस्लाम के साथ कंपैटिबल है, इस तरह के बात कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका डिस्कनेक्ट दुनिया से, ये जो हो रहा है ना, आपको देखिए ना, $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, $1 बिलियन की आप क्या औकात है आज के जमाने में 25 करोड़ के मुल्क के लिए? 25 करोड़ के मुल्क के लिए 1 बिलियन की क्या प्रॉब्लम है? अब इंडिया आपके सामने, हम भी तो 1992 में बड़े थे, हमें भी अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, पर हाँ यहाँ पे जो पॉलिटिशियन को समझ आया कि दुनिया से गेट बंद करके हम एक क्लोज इकोनॉमी हुआ करते थे, हमने रियलाइज किया कि दुनिया के साथ चलने के लिए दुनिया का डगर अपनानी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा जो दुनिया सब पसंद करती है। दुनिया के साथ कुछ हमसे दुनिया ने सीखा, उसके बाद कुछ हमने उनसे सीखा, तो मिल बांट के आज की डेट में हिंदुस्तान का हाल क्या होगी? क्या हाँ, चलते चलते अभी देखिए ना, आई मीन यू कैन ब्लेम, कोई कर देते हैं मेरे को कि मोदी जी का फैन है। अब मोदी जी का फैन कैसे ना बन जाऊं? अब देखिए, $1 बिलियन को किसी की तरफ इशारा करते हैं तो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, क्योंकि मोदी या कोई आज की हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रूलर्स हैं, उन्होंने इस मुल्क को दुनिया के साथ कनेक्ट कर दिया है। Yes. अब हम ग्लोबल कम्युनिटी से इंडिया ऐसे जुड़ चुका है, तरक्की साथ करेंगे, सबके साथ मिलके चलेंगे, पाकिस्तान में ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा। आप देखिए अभी शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए, बिल्कुल कोई दुनिया ने क्या उनका तासुर लिया कि जब दुनिया को उन्होंने सुनाया कि तुम्हारे पास लड़ाई करने के लिए पैसे हैं पर गरीब मुल्कों को देने के लिए पैसे नहीं है। अब ये जो अल्फाज कहने का तरीका है, इसी में आपका मैसेज रॉन्ग चला जाता है कि आप हकीकत से दूर हो। और ये जितने भी मसाइल रातों रात तो ठीक हो सकते हैं, पर उसके पीछे फकर भाई एक इलाज है, 100 इलाजों का एक इलाज, मजहब को घर में रखना पड़ेगा। मजहब सबके लिए पर्सनल होता है जी। क्योंकि आपका जो मजहब है वो मेरा नहीं है, मेरा आपका नहीं है, तो जब हमने दोनों ने कारोबार करना साथ में, दुनिया में साथ मिलके रहना है, तो हमको मजहब से हट के मजहब को अपनी रूह में रखिए, बिल्कुल अपने सुकून के लिए रखिए, पर मेरे से डीलिंग करने के लिए
आप जब अपनी बंदिशें खुद ही बन देते हो तो तरीका खराब हो जाता है, आपकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान को इंटीग्रेशन के लिए ये दिक्कत आ रही है। पाकिस्तान ने अपने आप को कितना शॉर्ट चेंज किया सीपैक में। अब आप सीपैक को पढ़े लिखे से पढ़िए, आपने सस्ते में सीपैक में डील कर लिया। अब चाइना को चाहिए था पैसे, आप वो अपना मटेरियल लेकर आते हैं, अपने इंजीनियर लेकर आते हैं, अपना ही सामान लेके आते हैं, कर्जदार आपको बना देते हैं। अगर सीपैक की इन्वेस्टमेंट आने तो वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती, $50 बिलियन कैश बैंक में ट्रांसफर होते और पाकिस्तान के हुक्म ग्लोबल टेंडर करते हैं कहाँ से सरिया आना है, कहाँ से क्या आना है, कहाँ से इंजीनियर आने हैं। पर वो नहीं, उन्होंने अपना ही सामान लगाकर आप लोगों को कर्जदार बना दिया और अब उसको कर्ज चुकाएंगे आप। कराची का पोर्ट अभी आपने अबू धाबी को दिया, कोड़ियों के दाम पे दे दिया। तो आप वो जो ऑपरेट करने के लिए ऐसा कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए? पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े इंजीनियर अमेरिका में, यूरोप में काम करते हैं। आपको पोर्ट चलाने के लिए किसी बाहर के आदमी की जरूरत क्या है? क्योंकि आपने, आपके जो सिस्टम ऐसा बन चुका था, इतना करप्ट सिस्टम कि हर आदमी अपना पॉइंट, जितनी बड़ी जिसकी चोंच है उतना पंजा मार के अपनी ही घुस रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान में कोई ये कहे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बम का स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है और उनको एक पोर्ट चलाना नहीं आता। अब एक हिंदुस्तानी इस बात का तस्वर नहीं कर सकता कि हम किसी फॉरेन कंट्री को अपना कोई पोर्ट दे दें चलाने के लिए। हमारे तस्वर से ही बाहर है। ऐसी सोच हमारे मन के किसी परले कोने में नहीं आ सकती कि हमारे एसेट्स को बाहर के लोग ऑपरेट करें। गवादर चाइना को दे दिया, कराची यूएई को दे दिया। तो ये इस तरह से ये जो जो मॉडर्न जमाने में ये इसको बताना पड़ेगा। सही। अच्छा राकेश साहब, एक चीज आपने बताई कि मोदी जी के क्यों फैन ना हो। सर पाकिस्तान में आज थोड़ी देर पहले मैं एक वो पढ़ रहा था, एक ट्वीट पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि जी हम जितना मर्जी, उन्होंने बल्कि ये लिखा था कि इज्जत और जिल्लत, हम कहते हैं ना कि खुदा देता है, कहते हैं उनको इज्जत दी है उर्दू में और दुनिया उनकी इज्जत करती है, ना कि सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज उनकी इज्जत करते हैं बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी उनकी बहुत इज्जत है। वो इजिप्ट हो, वो सऊदी अरेबिया हो, वो आपका जिसे कहते हैं यूएई हो, कतर, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, या मलेशिया, इंडोनेशिया हो, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सर ये वाला पॉइंट कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी साहब से लोग यहाँ पे पहले बहुत बातें करते थे उनके खिलाफ, जी उन्होंने ये जुल्म किया, वो जुल्म किया, लेकिन अब लोगों को बात शायद समझ आना शुरू हुई है कि नहीं, उन्होंने अपनी कंट्री को बड़ा डिलीवर भी जबरदस्त किया है, बाकी जो कुछ किया है वो किया या नहीं किया वो एक अलग बहुत बड़ी बहस है। सर हमारे वाले क्या पर्सनल इंटरेस्ट सोचने की वजह से हमें इस लेवल पे लेके आ गए कि हर कोई ये कहता है कि यार मैं कैसे माल बनाऊं, बाकी देखते रहेंगे पाकिस्तान है या कैसा है, कमजोर है या स्ट्रॉन्ग है, वो बात की कहानी। ये डिफरेंस है। मैं अगर मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता इंडियन पॉलिटिशियन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आप बात करते हैं कि जो वो कर रहे और ये लोग कर रहे हैं। फखर साहब देखिए, एक आज से 9-10 साल पहले मोदी साहब की एक स्पीच थी, लोगों ने उनको घेर लिया, कुछ एनालिस्ट ने, अपोजिशन के लोगों ने, तो मोदी साहब की डाला गया, एक ना डाला, उनका एक कहना है कि भैया मैं तो झोला उठा के घर चला जाऊंगा, मैंने तो अपने घर नहीं भरना या अपने भाई का घर नहीं भरना। वो जो मोदी साहब का जो विजन है, मैं आपको ये बताऊं, आपको इंडिया बहुत जल्दी में है। मोदी साहब ने नेचुरली प्राइम मिनिस्टर है तो हमें तो लॉयल्टी रहेगी उनके साथ। हमको हिंदुस्तान को जो सफर है, लंबा सफर, जो हमने टाइम बर्बाद किए हैं, अब हम वो टाइम बर्बाद करने के मोड में नहीं है। अरे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, हमारे यहाँ पर टनल्स बन रही हैं, पोर्ट्स नए डेवलप हो रहे हैं, गेट्स तो से ऊपर एयरपोर्ट बन चुके हैं, 50-60-70 और लाइन में है, दुनिया की थर्ड बिगेस्ट एविएशन मार्केट बन चुके हैं। हम जल्दी में है क्योंकि हमें जल्दी, फखर भाई, इसलिए है कि हमने 140 करोड़ लोगों को एम्पावर करना है। हमारे पास मजहब के लिए या किसी उल्टे सीधे अलायंस बनाने के लिए वक्त नहीं रहा। मोदी साहब ने, आप देखिए, इजिप्ट में गए हैं, हिंदुस्तान में मोदी साहब यहाँ सर पे स्कल कैप नहीं पहनते हैं, राइट, क्योंकि उनकी आस्था सब में है, वो दिखावा नहीं करते।
पर अभी इजिप्ट गए तो जब लोकल्स लोगों के मॉस्क में गए तो उन्होंने स्कल कैप पहना बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गिव ए मैसेज ऑफ गुडविल. तो डायनामिज्म है ना, वो आज इंडिया की जो पावर है वो इंडिया का डायनामिज्म है. हम एक किसी सांचे में फंस कर नहीं रह गए. हम हर वो जायज चीज करने को तैयार हैं, हम हर वो लेजिटिमेट चीज करने को तैयार हैं, हर वो चीज जो मोरली करेक्ट है हम करने को तैयार हैं. हमको अब दुनिया के साथ चलना नहीं है, हमने एस्पिरेशन ये बनाई हुई है कि हमने दुनिया को लीड भी करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रो. हमारी ग्रोथ से अब दुनिया की ग्रोथ बन चुकी है. 140 करोड़ लोग जब तरक्की करेंगे तो हमको जो सामान चाहिए, जो हमने सामान बेचना है उसके लिए हमको इतनी बड़ी दुनिया चाहिए, और उस दुनिया से हमने कनेक्ट कर लिया है. इस समय फकर भाई तकरीबन 12 से ऊपर FTA इंडिया इस समय नेगोशिएट एक्टिवली हम EU के साथ FTA करने वाले हैं. इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कोई लेबल लगाना यहाँ पे एक FTA का, नो, ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हम ये जो दुनिया को एक, हमारा हिंदी में हमारे ऐसे जो हिंदू धर्म में कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, कि दुनिया एक परिवार है, सारी धरती एक परिवार की तरह रहती है. हम ये बिलीव करते हैं कि दुनिया एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर कुछ भी हो वो एक परिवार का सा होता है. तो अगर हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव, कि हमारे यहाँ गेस्ट भगवान की तरह आता है, तो ये हमारी हिंदू परंपरा नहीं है बन चुकी, ये हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक की परंपरा है. तो पाकिस्तान का जब मसला ये हुआ कि आपने मजहब के नाम पे एक मुल्क लेके तो बुरा नहीं किया, पर आपने जो बुरा किया वो इस जमीन की जो परंपराएं थी, इसकी जो सकाफत थी, उसको आपने छोड़कर अब वहां चले गए जहां पे आपका जाना बनता नहीं. आज देखिए ना, अब पाकिस्तानी ये क्लिशे बातें करते हैं, अब पाकिस्तान अगर आप कोई शादी कर ले सऊदी अरेबिया में जाके, किसी नेशनैलिटी 50 साल रहने के बाद भी आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती. अब अमेरिका जाते हो साल में आप पासपोर्ट मिल जाता है, जर्मनी जाते हो, EU जाते हो, 2 साल में 2.5 साल में पासपोर्ट मिल जाता है. तो जहाँ आपके बेनिफिट्स हैं आप वहाँ नहीं जा रहे, जहाँ आपके, अब हिंदुस्तान आपके सामने फकर भाई 140 करोड़ की मार्केट, ऐसे प्लेटर पे तश्तरी पे मार्केट आपके सामने, और इस मार्केट को आप नगेट कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप ये सोचते हो कि हिंदू इंडिया, इंडिया हिंदू है, इंडिया इंडिया है. हिंदुस्तान में मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब एक इंडिया है. तो आप इंडिया को इंडिया देखिए, इंडिया को हिंदू इंडिया मत देखिए. देखने में भी मैं कभी कभी तल्ख बात कर जाऊं तो मुझे माफी दे देना. जब पाकिस्तान ने अपना इस्लाम के नाम पे मुल्क मान अपना अलग कर ही लिया, तो हमें फिर अपने आप को हिंदू मुल्क बनाने में कौन कैसे रोक सकता है? कोई हमको सेक्युलर पाठ क्यों पढ़ाए इंडियंस को कि तुम सेक्युलरिज्म को छोड़ के? अरे भाई, आपने तो सेक्युलरिज्म के बारे में कभी सोचा ही नहीं. आपने तो अपना घर अलग कर दिया और आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह एंड हदीस एंड सुन्ना. तो आपने तो अपना घर पक्का कर लिया, पर जिस घर से आप आए थे अपना नाता तोड़ के, तो उसके पास वो हक बनता है ना कि वो भी अपना बोले कि यार तुम तो अपना हक लेके बैठ गए, वेयर इज माई हक? पर ये फराक दिली थी हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने इस कंट्री को सेक्युलर रखा. और आज भी हमारी गवर्नमेंट की जितनी स्कीम बनती है फकर भाई, वो किसी मजहब के स्पेसिफिक नहीं होती. हर स्कीम का बेनिफिशियरी हर हिंदुस्तानी है. तो इसलिए हम पहले बोलते हैं कि माय फर्स्ट लॉयल्टी इंडिया. मैं पहले हिंदू नहीं हूं, मैं पहले भारतीय हूं. और इसी यही एक सोच है जिसने हिंदुस्तान को, देखिए हमारे करेंसी नोट के ऊपर भी 18 लैंग्वेज लिखी हुई है. हम इन सब के बावजूद, इतनी डाइवर्सिटी के बाद, एक सोच है ना, भारत एक सोच है, इंडिया इज एन आइडिया. और ये जो आइडिया है ना इंडिया का फकर भाई, ये इंडिया से भी स्ट्रांग है. हमारी बहुत फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया की, बहुत फॉल्ट लाइंस हैं. उन फॉल्ट लाइंस के बावजूद भी हम एक पावरफुल, एक एम्पावर्ड कंट्री क्यों है? कि हम सबकी लॉयल्टी पहले इंडिया. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू इन्फर. इसका मतलब आपको खुद निकालना पड़ेगा कि आपके पड़ोसियों के यहाँ ये सोच है और आपके यहाँ ये सोच है, तो इसका फर्क क्या है? अब आपके, देखो ना, आपके वेस्ट में एक हॉस्टाइल
अफगानिस्तान है आपकी तरफ, आप उनकी तरफ हो, वो आपकी तरफ हो, एक वो सर पे तालिबान आपके तरफ घेर के बैठे हैं, बिल्कुल, या ईरान है जिससे कभी ना कभी आपकी लव हार्ट हॉट एंड रिलेशनशिप लगी रहती है, एक तरफ आपके पास चाइना है जिसके बीच में पहाड़ ही पहाड़, दुर्गम कठिन रास्ते हैं, और उन्होंने आपको पूरा डोमिनेट किया हुआ है, इतना मकरूज बना दिया आपके अंदर कि आप वहाँ पे खुल के बात नहीं कर सकते, युगर मुसलमानों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, और पाकिस्तान में अगर हिंदुस्तान में किसी मुसलमान बेचारे की डेथ हो जाए किसी मॉब की वजह से तो पाकिस्तान